मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। मुंबई पुलिस ने लाउडस्पीकर से संबंधित शिकायतों और उसी के बारे में भड़काऊ बयानों पर काम करना शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस ने उन उपद्रवियों की सूची बनानी शुरू कर दी है जो लोग सांप्रदायिक उकसावे आदि में शामिल हैं। आईपीसी की धारा 144, 149, 151 के तहत उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार मुंबई पुलिस कर रही है। वहीं कुछ लोगों को पहले ही प्रिवेंटिव मेजर के रूप में नोटिस भेजा गया है और नोटिस भेजने का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में इसमें और भी तेजी लाई जाएगी। एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे ने एक महिला के खिलाफ 5 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मांगने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार महिला 5 करोड़ रुपए मांग रही है और न देने पर रेप का झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देने का आरोप धनंजय मुंडे ने लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं बिहार से मुंबई आकर शहर में एटीएम सेंटर में लोगों को गुमराह कर पहले उनसे पासवर्ड लेना और फिर उनके एटीएम कार्ड को बदली करके उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेने वाले 2 आरोपियों को मुंबई की पायधुनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों का नाम है अताउल्ला महमूद खान और वीर राजेंद्र पांडे। ये दोनों लोग लोगों से पासवर्ड और एटीएम कार्ड बदल कर उनके अकाउंट से एटीएम के जरिए पैसे निकाल लेते थे। पुणे सिटी पुलिस ने बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों से जो बस स्टॉप पर बसों के इंतजार में खड़े रहते थे, इस दौरान उनका मोबाइल फोन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है सद्दाम कासिम शेख 23 साल और अनिल उर्फ अन्या बोबड़े 27 साल। दोनों के पास से 46 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एसी बस में सफर करना मां बेटे के लिए जानलेवा साबित हुआ है। ये दर्दनाक हादसा इंदौर से सामने आया है। पुणे के अशोक ट्रेवल्स की एसी स्लीपर में पुणे से उज्जैन जा रहे मां बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पेशे से 38 साल की दीपिका पटेल टीचर थी और उनके साथ में उनका 11 साल का बेटा आदित्य राज भी था। अचानक बस में दोनों मां बेटे की दम घुटने लगी और इन्होंने इसकी शिकायत भी बस और कंडक्टर से की, मगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और दोनों को अस्पताल ले जाया गया मगर मौत हो गई। परिवार ने बस ड्राइवर और कंडक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।